सो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कैसे हम क्रिस क्रॉस क्लासेस की ऐप को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और उसके बाद आपके सामने होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो सब मिल जाएंगी, तो उन्हें चेकआउट कीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए आपको जो भी कंटेंट चाहिए तो आपको मेन्यू में जाना है, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, ई बुक, इंग्लिश ग्रामर और ऑलमोस्ट सभी कंटेंट अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्लिक करना है उस सेगमेंट पे जिससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए। मान लीजिए हम नोट्स में गए, एक छोटी सी ऐड लोड होगी, उसे आपको स्किप करना है और स्किप करने के बाद आपके सामने वो सेगमेंट खुल जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, जैसे ही वो सेगमेंट आपके सामने ओपन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो जो भी आपका बोर्ड है, चाहे वो CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश, सभी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए आप CBSE बोर्ड में गए और आप क्लास 12th सेलेक्ट किया, इसके बाद आपके सामने आपके सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। आपको सब्जेक्ट्स में जाना है और हिंदी इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आपके सामने सभी नोट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हमने चौथे चैप्टर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के सभी डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है सिर्फ, जैसे यूरोपीय संघ, तो यूरोपीय संघ सीधा आपको मिल जाएगा, जिसे आप क्या कर सकते हो, एक्सेस करके स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से सभी नोट्स आपको एक ही जगह बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको क्विजेज चाहिए तो आप क्विजेज वाले सेगमेंट पे जाओगे, ठीक है, और क्विजेज वाले सेगमेंट पे जाने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे कि भाई वही कि आपका बोर्ड कौन सा है। इस बार मान लीजिए हमने BSEB किया और हम गए क्लास 12th में, और इस बार हमने सिलेक्ट किया हिस्ट्री के क्विजेज, तो आपके सामने फिर से लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए BSEB बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री क्विजेज इन हिंदी। अब यहाँ से आपको अपना चैप्टर सिलेक्ट कर लेना है और उसके क्विजेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको कैसे मिलेंगे कि कौन सी क्लास चल रही है, तो देखिए नीचे चार ऑप्शंस में से सबसे लास्ट ऑप्शन है अपडेट का। अब जैसे ही अपडेट पे जाएंगे तो अपडेट पे जाने के बाद जो भी आपकी आज की क्लासेस है, जैसे जो 28 जनवरी को हुई थी 29 को, और जो आज की क्लास है उसका लिंक मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप उसी वीडियो पर पहुंच जाएंगे और इस तरह से बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है हमारी ऐप को चलाना। तो अभी के अभी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो उसे अपडेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये सभी लेटेस्ट फीचर आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।